सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल पर क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक कोर्स कंप्लीट कराने की सीरीज एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोर्स कंप्लीट की सीरीज एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एवं बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुँचेगी सबसे पहले और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकेंगे। और अन्यथा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त नहीं होंगे, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज को देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुँचेगी सबसे पहले। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 3 अधातु एवं धातु, धातु और अधातु के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रद्द करेंगे। आपको जो भी इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वह आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखना प्रारंभ करते हैं। जो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा है वह कुछ इस प्रकार है कि किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। आपको बताना है कि कौन सी धातु जो होती है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, या फिर इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मरकरी धातु। जो मरकरी धातु होती है यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और इस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा मरकरी धातु। मरकरी धातु इसका राइट आंसर होगा। यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट में पीडीएफ के लिए कहते हैं तो आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। देखिए, धातु के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। उस धातु का नाम लिखना है जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। तो आपको बताना है कि कौन सी धातु है जो ठंडे जल से अत्यधिक क्रियाशील होती है या अत्यधिक क्रियाशील हो जाती है। तो कौन सी धातु है? सोडियम और पोटेशियम धातु। आपने देखा होगा कि जब सोडियम के टुकड़े को हम जल में डालते हैं तो वह अचानक से फूट जाता है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका यह तात्पर्य है कि सोडियम जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से क्रिया करता है। तो वह कौन सी धातु होगी जो जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो वह धातु है सोडियम एवं पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम एवं पोटेशियम धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। इसका राइट आंसर होगा सोडियम एवं पोटेशियम धातुएं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। देखिए, एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात से मिलाया जाता है? तो आपको बताना है जो एक्वारेजिया होता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि एक्वारेजिया किसे कहा जाता है? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के मिश्रण को अपन एक्वारेजिया कहते हैं। तो आपको एक्वारेजिया किसे कहते हैं इस प्रश्न को भी तैयार करना है। तो एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल को किस अनुपात में मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3:1। 3:1 में आपका जो एक्वारेजिया होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3:1। 3:1 अर्थात तीन भाग अपन जो है 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलाते हैं और जो एक भाग होता है यह होता है नाइट्रिक अम्ल का होता है। 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं 1 नाइट्रिक अम्ल को मिलाकर एक्वारेजिया प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। आयनिक यौगिक का गलनांक
आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है। आपको बताना है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण। अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण यह मजबूती से बंधे होते हैं, इसलिए इनका गलनांक अर्थात इन्हें गलाना बहुत ही मुश्किल होता है। इनका गलनांक एवं क्वथनांक इसलिए उच्च होता है क्योंकि इनमें अंतर आयनिक आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, अलगम किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं पांचवें प्रश्न को, अलगम किसे कहते हैं। तो अलगम आपको बताना है कि अलगम किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा कि अलगम जो होता है धातु तथा पारा का मिश्रण होता है। तो आपको बताना है कौन सी धातु और पारे का मिश्रण होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो इसका आंसर है पांचवें का आंसर, अमलगम किसे कहते हैं। तो अमलगम किसे कहते हैं, तो इसको पारा का मिश्रण होता है। किसके साथ मिश्रण होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं याद है तो भी आप इसे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। और आपको जो भी प्रश्नों के आंसर नहीं याद है उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें, और जो याद है उन्हें भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दें, जिससे आपके जो क्वेश्चन याद है वह आपको अधिक समय तक याद रहेंगे, और जो आपको नहीं याद है वह उनको याद करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार, वो अचानक लाइट चली जाने के कारण वीडियो बंद हो गई थी, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। छठा प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, पांच ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। छठा देखिए, यशत लेपन किसे कहते हैं। आपको बताना है कि यशत लेपन किसे कहते हैं। तो यशत लेपन धातु पर जस्ते की परत चढ़ाना यशत लेपन कहलाता है। जब किसी धातु को जंग अर्थात संचरण से बचाने के लिए हम उस पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं तो उसे यशत लेपन कहते हैं। यशत लेपन किसे कहते हैं, तो धातुओं पर जस्ते की परत को चढ़ाना यशत लेपन कहलाता है, यशत लेपन कहलाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, मिश्र धातु का उपयोग। कौन सी मिश्र धातु का आपको बताना है कि मिश्र धातु, प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। आपको बताना है कि किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो कौन सी मिश्र धातु, टीन और जस्ते से बनी मिश्र धातु का उपयोग जो विद्युत तार होते हैं इनकी परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। टीन और जस्ते की मिश्र धातु का उपयोग किस में किया जाता है, विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, टीन और जस्ते की मिश्र धातु का उपयोग तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, देखिए, तांबे समेत, तांबे को अधिक समय तक वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं। तांबा नहीं, लंबे समय तक वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं। तो इसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं। यह पदार्थ कौन सा होता है, तो आयरन ऑक्साइड होता है, जिसे क्या कहते हैं, भूरे रंग की जो परत चढ़ जाती है जब लोहे को अधिक समय तक वायु में रखा रहता है तो उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। देखा होगा आपने बारिशों के दिनों में सभी लोहे के सामानों पर परत चढ़ जाती है, जो भूरे और लाल रंग की होती है वह जो परत चढ़ जाती है वो किसकी होती है। आपको बताना था वो परत जो चढ़ जाती है वह किसकी होती है, तो वह परत होती है आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड की वो परत होती है। जब हम किसी भी लोहे के पदार्थ को बाहर हवा में पटक देते हैं जहाँ पर पानी एवं हवा होती है तो उस पर एक परत चढ़ जाती है अर्थात वह संचारित हो जाता है। तो उस संचारित पदार्थ के संचारित होने पर उस पर जो परत चढ़ती है वह भूरे रंग की पदार्थ क्या होता है, आपको बताना है था, तो वह होता है आयरन ऑक्साइड। वह भूरे रंग का पदार्थ क्या होता है, आयरन ऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, आयरन ऑक्साइड होता है, इसका राइट आंसर आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्रता कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिससे उसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है एवं हरे रंग की परत चढ़ जाती है, यह हरा पदार्थ क्या होता है। आपको बताना, आपने बताया था भूरे रंग का पदार्थ क्या होता है, आयरन, आयरन ऑक्साइड होता है। अब कॉपर के जो कॉपर के बर्तन होते हैं उसे अधिक समय तक वायु एवं आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी, जहाँ जल हो और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो जिससे उसकी सतह पर भूरे रंग की जो चमक होती है, तांबे के पदार्थ पर भूरे रंग की जो चमक होती है वह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है
और उस पर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है। आपने देखा होगा घर में बर्तन होते हैं तो वह तांबे के बर्तन होते हैं वह कुछ समय बाद हरे हो जाते हैं, हरे रंग के हो जाते हैं। तो वह हरे रंग का पदार्थ होता क्या है आपको यह बताना है, तो वह क्षारीय कॉपर कार्बोनेट होता है। वह हरे रंग का पदार्थ क्या होता है? क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। जब कॉपर के बर्तन अर्थात तांबे के बर्तनों को अधिक समय तक वायु एवं आर्द्रता अर्थात नमी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में रखा रहने देते हैं तो उस पर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्षारीय कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, चलिए 10वें प्रश्न को देखते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के संगमी मिश्रण को क्या कहते हैं? यह प्रश्न तो आपको याद होगा, दो या दो से अधिक धातुओं के संगमी मिश्रण को क्या कहते हैं? संगमी अर्थात समान, समान में मिलाया जाता है, समान अणुओं में मिलाया जाता है, प्लस बराबर मात्रा में मिलाया जाता है। जब दो धातुओं को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो वह जो नई धातु बनती है उस धातुओं के मिश्र धातु कहते हैं, कि मिश्रण से जो नई धातु बनती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। दो धातुओं के संगमी मिश्रण से बनी नई धातु को मिश्र धातु कहते हैं। चलिए इस प्रकार इसका प्रश्न आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न का आंसर देखते हैं। अगले प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है को कहते हैं। आपको बताना है कि वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है अर्थात बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है को क्या कहते हैं? तो वह श्रेणी होती है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या MCQ क्वेश्चन आपको बताए हैं यह आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक।